ਚੋ ਟੋ 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 ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਜਸਪੀਤ ਪਾਟਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ तमाम ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਸਪੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ एवरीवन थैंक यू so much ਸੋ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ प्रायॉरिटी तो स्टूडेंट चले जाए ताकि काम की भी कोई दिक्कत ना आए सो सी एज द डेट सब से ज़्यादा हॉट है अलबर्टा बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू अलबर्टा लोगों को लगता है कि अल्बर्टा में इज़्स ईजी पी आर ऑप्शन येस देयर इज ईजी पी आर ऑप्शन बट जिस स्पीड से बच्चे अलबर्टा को चूज़ कर रहे हैं मेरे को लगता है कि वो भी कहीं चेंज ना कर दें अपनी रिक्वायरमेंट्स को बिकॉज ऑलमोस्ट आवर स्टूडेंट्स गो फॉर बिजनेस कोर्स एंड जनरल कोर्सेज जिनको वहाँ पर जॉब्स नहीं मिलती आजकल टारियों की बात करें तो जॉब्स इन बिजनेस रिलेटेड जनरल जॉब्स आर लीस्ट अवेलेबल एंड जॉब्स रिलेटेड टू स्किल्स आर अवेलेबल टू मैनी जॉब्स आर अवेलेबल अगर आप स्किल्स की बात करें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं आप प्लम्बर हैं आप वेल्डर हैं सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल सो वही होगा अल्बर्टा में भी क्योंकि जिस स्पीड से हमारे बच्चे बिजनेस कोर्स या सिंपल कोर्सेज़ पढ़ने जा रहे हैं तो टेक्निकल कोर्स करने वाले बच्चों के लिए जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगी और जो जनरल कोर्सेज बच्चे कहेंगे उनके लिए जॉब्स की कमी होगी ही होगी सो स्टूडेंट माई एडवाइज आप किसी भी प्रोविंस जाएँ आज की डेट में अल्बर्टा प्रोविंस इज़ प्रेफर्ड स इज़ मस्ट सस्कैचुअन में जो पी है वो अल्बर्टा से भी जल्दी होगी न्यू ब्रूंजबेक भी रिप्रेजेंट न्यू ब्रूंजबेक कम्युनिटी कॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड कॉलेज तो अब वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना इन सस्कैचुन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड कॉलेज फॉर यू टू चूज फ्रॉम इसके बाद हम बात करते हैं तो केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी सेंट फ्रांसिस जेवियर यूनिवर्सिटी इन नोवस्कोशिया इसके अलावा माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं अगर यहाँ पे भी आप चूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा बट मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि कैनेडा इज़ वेरी वेरी कहूँगा कि लो ऑन स्किल्ड कैटेगरी एम्प्लॉज़ एम्प्लॉयज़ सो स्टूडेंट आई विल एडवाइज़ यू कि हम अगर स्किल ट्रेड में कोई भी कोर्स करें कोई भी कोर्स करें और कहीं भी जाएँ आपको जॉब्स भी मिलेंगी और आपको पी भी मिलेगी सो राइट नाउ अगर आप एक जेनरिक कोर्स करेंगे और आपको अगर जॉब नहीं मिलती है तो कल को पी मिलने में दिक्कत आ सकती है बट अगर आप स्किल्स करेंगे स्किल लर्निंग करेंगे तो आपको जॉब बिल्कुल मिलेगी और आपको पी भी बिल्कुल मिलेगी सर ये बहुत सारे विद्यार्थी ना स्किल शब्द का मतलब बहुत ही ज़्यादा चंगी तरह अंडरस्टेंड नहीं करते स्किल वाले कोर्स केड़े ने अगर असी बहुत सादे शब्दों समझाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को सो so स्किल जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग ए वेंटिलेशन एंड हीट टेक्नीशियन प्लम्बिंग टेक्नीशियन वेल्डर टेक्नीशियन सो दीज आर ऑल स्किल रिलेटेड ट्रेड्स इंडस्ट्रियल मिल राइट टेक्नीशियन मोटिव पावर टेक्नीशियन जो कि कलनरी मैनेजमेंट यानी कि शेफ का कोर्स सो देयर आर दीस आर ऑल स्किल रिलेटेड कोर्सेज तो आप इन कोर्सेज में अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको जॉब्स बिल्कुल मिलेंगी ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਸ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਆਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ 9413 90412 ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਸਮੀਤ ਪਾਟਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ तो मैसेज करके जसमीत जी की टीम के नाम बना सकते हो इसके अलावा मैं ऐड करना चाहूँगा कि लैंडमार्क इमीग्रेशन दे रहा है आपकी अम्बेसी फीस जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट्स को सो स्टूडेंट योर अम्बेसी फीस फॉर वन फिफ्टी डॉलर विल बी पेड बाई लैंडमार्क इमीग्रेशन अगर आप कैनेडा जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी अम्बैसी फीस विल बी पेड बाय लैंडमार्क इमिग्रेशन एंड देर विल बी नो प्रोसेसिंग फ़ीस फॉर कैनेडा जर्मनी एंड न्यूजीलैंड तो विजिट करें हमारे नियरेस्ट ऑफिस एंड कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं और कुछ कंट्रीज़ में तो अम्बैसी फीस विल बी पेड बाय लैंडमार्क सो जल्द से जल्द हमें कॉन्टैक्ट करें और अपना केस प्रोसीड करें चलो थैंक यू सो मच सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नाल जसमीत जी ने एक बार फिर शेयर की है धन्यवाद